वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज का हमारा ये घंटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी है और मेरी पूरी टीम के लिए भी है जो यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं देख रही थी सेट पे, वैसे आगे पीछे कोई नजर नहीं आता। आज सारे सेट पे इधर उधर मंडला रहे हैं और वो क्यों मंडला रहे हैं जनाब, हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज कल हमने अपने फेसबुक पेज पर, जागो लाहौर के पेज पर भी अपडेट किया था कि आज हमें हमारे जो मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं और इनको जनाब इतनी ज़बरदस्त कमांड हासिल है कि मैं पर्सनली इनकी बड़ी फ़ैन हूँ इस मामले में, कि जो ये थोड़ी बहुत हमें गाइडेंस देते हैं या जो थोड़ी बहुत जो पामिस्ट्री के हवाले से, एस्ट्रो पामिस्ट्री के हवाले से बताते हैं, वो कुछ बल्कि बहुत हद तक सही होता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली से, जो कि कलर अरोमा लाइट थेरेपी भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, एस्ट्रो पामिस्ट्री भी जानते हैं और टैरोकार। और इसके अलावा आज जो हम स्पेशल एक चीज करने वाले हैं वो है डायग्नोसिस विद टर्किश कॉफी। बेसिकली ये क्या प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर आज मेरे पे ट्राई होने वाला है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। और आज आपने हमारा इंटरेस्ट लेवल देख लिया कि सेट पर आगे पीछे कोई नहीं, आज सब इधर उधर सारे खड़े हुए, रौनक लगी हुई है। रौनक लगी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो अभी हम टर्किश कॉफी से डायग्नोसिस करने वाले हैं, बेसिकली क्या प्रोसीजर है और किस तरह से होता है ये? जी 16th सेंचुरी से चीज चलती आ रही है और इसमें ये होता है कि आप के पास से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। और मैंने ये चीज लर्न की है इटसेल्फ टर्की से। अच्छा, और इजिप्ट से। इजिप्ट और टर्की से। हाँ जी, तो इजिप्ट का भी एक बहुत पुराना एरिया है, बॉर्डर के ऊपर गांव है जिसमें 160-170 लोग थे। अच्छा। तो आई जस्ट वेंट देयर, स्टेड फॉर लाइक 10-15 डेज और वो जो पुराने लोग थे बाबे, ये उनसे सीखा। जबरदस्त। और इसमें ये होता है कि आप जब करते हैं तो सिप आपको एक करना है कॉफी का। पहले मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा, आप एक सिप करेंगी इसको, ठीक है? और उसके बाद यू विल रिटर्न इट बैक टू मी। ओके। जब आप मुझे रिटर्न करेंगी तो आई विल पुट दिस कॉफी व्हिच इज इनसाइड द कप, जो कप के अंदर है वो मैं इसके अंदर सॉसर के अंदर डालूंगा। फिर जो साइड्स पे इसके है, कप के साइड पे जो कॉफी लगी रह जाएगी वो, और ये थोड़ी देर जमेंगे। उसके बाद फिर जब ये थोड़े से थिक हो जाएंगे, पेस्ट बन जाएगी, इसके अंदर सिंबल्स जो हैं, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी के सिंबल्स होते हैं ना, जायचे के अंदर सिंबल्स होते हैं वो पढ़े जाते हैं, इसी तरह इसके अंदर 18 से लेके 52 तक सिंबल्स जो हैं वो बनते हैं। उन सिंबल्स को रीड करके तो सारी जो पिक्चर है वो आपको देनी होती है। जबरदस्त। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लवली। चले और जनाब अभी ये कॉफी डॉक्टर साहब तो बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं अनाउंस करती जाऊँ कि अगर आप डॉक्टर मोहम्मद अली से कोई भी सवाल करना चाहते हैं जिसके लिए आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ दरकार होगी, आपकी मदर का नाम भी दरकार होगा, वो आप कॉल करके डॉक्टर साहब को बता सकते हैं। अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपको बताएगा। डॉक्टर साहब हम शुरू करते हैं क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा फोकस करके हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि कॉफी ये बनेगी और इसका एक सिप मैं लूंगी और फिर उसके बाद एक सरप्राइज मिलेगा मुझे भी। अच्छा ये बेसिकली टर्किश कॉफी है। ये टर्किश कॉफी है जी। ठीक है। नॉर्मल कॉफी से नहीं होता ये प्रोसेस। ठीक है, टर्किश कॉफी होती है। और ठीक हो गया, ये कॉफी बनेगी जनाब। ये जरा पीनी, सिप करनी भी मुश्किल होगी। अच्छा थोड़ी कड़वी होगी। ठीक हो गया, एक सिप से तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ये प्रोसीजर या जो भी मेथड है ये यहाँ पर इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। ये यहाँ पे है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। एक खातून थी सुना है कराची में। जी जी जी। बट शी इज नॉट हियर एनीमोर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो करती थी है। और लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस भी काफी हद तक कम है। मैंने किसी को सुना नहीं, लोग पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करते भी हैं और उसके लिए अप्रोच भी करते हैं, लेकिन इस तरह का जो मेथड है उसके लिए अभी तक कोई एसेस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे मुतबर है। हाँ हाँ। उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल। मगर ये जो है ये कदीम इल्म ये भी है। हाँ हाँ। और इसका जो है इम्पैक्ट यूरोप में बहुत ज्यादा है। यूरोप में मैंने इसको किया है। यूएस में लोग इसको समझते हैं, इवन मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं, अच्छा गल्फ के लोग जो हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जरा लोग जो है वो लगे बंदे असूल जो बने हुए उनके ऊपर चलते हैं।
बस उन्हीं चीजों के उन्हीं चीजों पे लोग ज्यादा बिलीफ रखते भी हैं. और आज मैं भी ये नया मेथड जो है एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है. ठीक हो गया अब ये जी कॉफी हमारी हो गई है तैयार. ठीक हो गया. ठीक है जी अब लेंगे हम इसकी एक सिप. ये इस तरह से है, अगर दिखा सके दिखा सके जी कैमरामैन प्लीज इसमें कप के अंदर दिखा दे. कॉफी तैयार हो गई. सही हो गया. अब ये आप एक सिप करेंगी. एक सिप करूंगी मैं ये कॉफी. अच्छा ये मेरे कान में प्रोड्यूसर ध्यान से कॉफी पी रही है, मतलब क्या कर रहे हो? एक सिप करना हल्का सा. जी ठीक. वाकई बहुत मुश्किल था अंदर लेके जाना. पानी पी लो. पानी पी सकती है ना? ये ना हो ना पानी पी. अब ये जी कॉफी का सिप हो गया तो अब ये कॉफी जो है इसके अंदर डली जाएगी. वाह सॉसर के अंदर. सॉसर के अंदर चली जाएगी जी. कमाल हो गया. अभी थोड़ी देर इसके अंदर ये पड़ी रहेगी जी. और इस पे हम अब थोड़ी सी मजीद डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन जब तक ये कॉफी ड्राई होगी हम डॉक्टर साहब से और भी सवाल कर लेते हैं. अच्छा जनाब हमें कॉल आई है इस्लामाबाद से, मोहम्मद जावेद साहब है. अस्सलाम वालेकुम जी. जी मोहम्मद जावेद साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब के बारे में से अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहूंगा. जी जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1985. 16 अगस्त 1985. अपना नाम बता दें. मोहम्मद जावेद. ठीक है. और उनका नाम है जरीना बीबी. जरीना बीबी आप किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं? कि मेरा फ्यूचर जो है ना खासतौर पे जो माजी था वो बहुत स्लो था बिजनेस के बारे में. अब फ्यूचर कैसा रहेगा? हमारे कॉलर थे मोहम्मद जावेद साहब, उनके हवाले से डॉक्टर साहब क्या आप बताएंगे? नवंबर 2018 से बेहतरी है इनके काम में शुरू हुई है. ठीक है. और ये ग्रेजुअली जो है तकरीबन 7 से 8 महीने का अरसा अभी और है. उसके बाद इनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है. अच्छा. और प्रोफेशनली स्ट्रेंथ इनकी जो है वो 2-3 हैं एरियाज, उसके अंदर ये काम अपना कर लें. बिजनेस का जो है वो भी है इनका. और दूसरा ये है कि अगर इनका बाहर का कोई सिलसिला है तो अभी फिलहाल उसके लिए ना करें. स्ट्रेंथ है वो, मगर ये है कि बिजनेस के लिए यहाँ पे कोशिश करें. ये पीरियड इनके लिए सही है. सही है टाइम पीरियड. और ठीक है मतलब सही है, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं. पास में उनकी चीजें कुछ स्लो थी, अब जरा वो ये नवंबर से 2018 से चीजें बेहतर हो रही है. ठीक हो गया मोहम्मद जावेद साहब आपकी चीजें बेहतर हो रही है. डॉक्टर साहब बताए. अच्छा डॉक्टर साहब ये जो अभी हम बात कर रहे थे टर्किश कॉफी के हवाले से, सिंबल्स और सारा कुछ ये इसी मेथड में या किसी और, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ये वही वाले सिंबल्स होते हैं जो? नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट सिंबल्स हैं. ठीक है. बिल्कुल डिफरेंट सिंबल्स हैं. अच्छा सही है. ठीक है. एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो हाउसेस है ना, 12 घर हैं. तो इसके अंदर जो है सिंबल्स वो 18 से 52 तक सिंबल्स हैं. वो डिपेंड करता है हर बंदे की शख्सियत पे अलग अलग. किसी के 18 बन जाते हैं, किसी के 23 बन जाते हैं, किसी के 20 बन जाते हैं, किसी के 52 भी बन जाते हैं. हाँ तो उसको फिर जो है वो. अच्छा ये जो मेथड है कितना ऑथेंटिक है एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री उसके हवाले से बात की जाए तो ये उसी लेवल का मेथड होता है कि इसमें सिंबल्स को रीड करना? डेफिनेटली आपने तो ये टेक्निक सीखी है जाकर खुद बजाते. तो ये ऑथेंटिसिटी इसकी कितनी उनके लेवल की होती है? इसकी ऑथेंटिसिटी ये एक अलहदा साइंस है. ये सही. ठीक है. ऑकल साइंस के अंदर ये चीज आती है. तो ये ऑथेंटिसिटी है तभी 16वीं सदी से ये चीज़ चलती आ रही है. और आप को अगर इत्तेफाक हो कभी यूरोप साइड पे जाने का तो आप देखिए कि कॉफ़ी रीडिंग किस तरीके से होती है वहाँ पे. लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये नहीं कि मतलब नॉर्मल फोक्स, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जाते हैं और वो कॉफ़ी रीडिंग लेते हैं. कॉलर आ चुके हैं लईका. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम जी. लाइक साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बस यही कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ. ठीक है. डेट ऑफ बर्थ है मेरी 10 अप्रैल 1982. ठीक है. हाँ जी. और आपकी वालदा का नाम? वसूख फातिमा. सॉरी वसूख फातिमा. वसूख फातिमा जी. ठीक है. वसूख फातिमा है. ठीक है. आप कारोबार के हवाले से जानना चाह रहे हैं? जी जी जी. मैं ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया लाइक साहब आपके कॉल करने का. अभी डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं.
اچھا یہ کالرز کے لیے کہ آپ جب کال کریں تو پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں, جیسے ابھی لائک صاحب کی بھی کال تھی, اس سے پہلے بھی کال, اور کیونکہ جب آواز ڈبل ہو کے آتی ہے تو ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے اور آپ اپنی آواز سننے کے چکر میں کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. تو کال کرنے سے پہلے آپ ضرور اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیا کریں, اور نمبر ہمارا ٹی وی اسکرین پر ہے, اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ان کا چیک کر کے ان کو کاروبار کے حوالے سے بتائیں گے. کاروبار یہ آلریڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کاروبار میں بہتری جو ہے وہ ساتویں مہینے میں جولائی میں جو ہے حالات ان کے تھوڑے سے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے, مگر اس سے پہلے مارچ میں تھوڑی پرابلم ان کو آئے گی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ نماز کی جو پابندی ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے, نماز کی پابندی کرتے رہیں اور صدقہ وغیرہ جو اپنے حساب سے انہوں نے دینا ہے وہ دیں, کیونکہ جو مارچ کا منتھ ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہے ان کے لیے, مگر گھبرائیں نہیں, ساتویں مہینے میں انشاءاللہ تعالی جو ہے جا کے چیزیں ان کی بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہترین ہو گیا. محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ کالر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا, ابھی اپنی زندگی کے بارے میں. میری برتھ ڈے ہے 24 تاریخ, دوسرا مہینہ 1982. میری 1982 جی جی. اپنی والدہ کا نام بھی بتائیے گا پلیز. سوری, سکینہ بی بی. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں اپنے ترقیاتی کام کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے آگے رکاوٹ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ میرا کام نہیں چل رہا, مزدوری کرتا ہوں لیکن ترقی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا, ابھی پوچھ لیتے ہیں. محمد ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا جناب, اور کالر سے ریکویسٹ ہے پھر ایک بار کے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں. اچھا جی, یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کی مدر کا نام اور اپنا جو آپ کا نام ہے, یہ تینوں چیزیں درکار ہوں گی, تو کال کرنے سے پہلے تینوں چیزیں آپ پلیز مائنڈ میں رکھیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو جلدی سے آپ کو بتا دیں گے. ابھی محمد ارشد صاحب کے حوالے سے ہمیں بتانے والے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان کا جی پچھلے 2.5 سال سے جو ہے وہ کام میں واقعی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ریزن جو ہے وہ نظر بد اور حسد ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ نماز کی جو پابندی ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو خراب چیزوں سے بچا لیتی ہے اور خرابیوں سے بھی بچا لیتی ہے, اور دوسرا یہ کہ نگیٹو تھاٹس جو ہے نا, نگیٹو کسی بھی طریقے سے اگر خود میں ہیں تب بھی تنگ کرتی ہیں, اگر دوسرے کی کوئی نگیٹو انرجی آئے تو بھی تنگ کرتی ہے. تو محمد ارشد صاحب سے یہی کہوں گا کہ ایک تو نماز, دوسرا درود پاک کی کثرت کریں, اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ چینج کریں, اپنے دیکھنے کا اینگل چینج کریں تاکہ آپ کو ریسیپروکیشن میں, یعنی وہاں سے جو چیز آئے دوسری طرف سے وہ بھی پازیٹو آئے. صحیح. اپنے جو سوچنے کا انداز ہے اس میں وہ بدلیں, اور یہ سال جو ہے یہ تھوڑا سا اس طرح ہی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے چیزیں سموتھ ہو جائیں. مگر یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ کو دے گی سکون اور آپ اس فیز میں سے بڑے آرام سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کالر جی ہمارے ساتھ نرگس, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نرگس کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا, اس کی ڈیٹ آف برتھ 5 نومبر 1989. 5 نومبر 1989, اور اس کی والدہ کا نام ہے نرگس. اور ہاں جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی اس کی تعلیم جو ہے نا وہ اے سی سی اے کر رہا ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہو رہی, لاسٹ پیپر میں ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں وہ ہو جائے گی مکمل یا نہیں؟ تعلیم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اپنے بیٹے کا نام جلدی سے بتا دیں. ہاں جی عبیر, عبیر نام ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی بہت شکریہ نرگس صاحبہ کال کرنے کا. جناب ہم جواب لیں گے نرگس کے کال کا, لیکن ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ڈاکٹر محمد علی سے آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.